नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। घर की दाल खाने का कैसे मन हो गया? अनामिका, मुझे ना तुम्हारी इस छोटी सोच पे कभी कभी बहुत हंसी आती है, पता है? छोटी सोच? लक्ष्मी तुम्हें कभी वो सुख नहीं दे सकती ना जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यार अनामिका, तुम मेरी भाभी के लिए बात कर रही हो, मेरे स्वर्गवासी बड़े भैया की पत्नी है वो, कुछ तो शर्म करो। हाँ हाँ, शर्म भी मैं करूँ, भगवान से मैं ही डरूँ? तुम तो दूध के धुले हो ना। आहिस्ता, वक्त का तो ख्याल करो, आसपास लोग सो रहे हैं, सब उठ जाएंगे। हाँ तो सुनने दो, किसी को कुछ छुपा तो नहीं है ना? जिंदगी तुम लोगों ने नरक बना रखी मेरी। यार तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत 24 घंटे मेरी गोद में पड़े रहते हो, प्यार के दो बोल तो बोल नहीं सकते मुझसे। अरे ऋषभ, क्या हुआ, तू अभी तक सोया नहीं? पति पत्नी के बीच ये सब चलता रहता है बेटा, आम बात है। लेकिन बड़ी माँ, तू चिंता मत कर, तू सोने की कोशिश कर, कल सुबह तेरी क्लास है। हाँ चल सो जा, सो जा। ऋषभ, वो तो कब का ट्यूशन चला गया? आपने बताया नहीं। और नाश्ता करके गया है, गोभी के पराठे। पराठे मैं बनाने वाली थी ना, उसे देर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बना दे। सब समझ में आता है मुझे, पहले पति और अब बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। माँ का तो जैसे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो अन्न, हर घर तो आपने तबाह कर दिया है, आपको कुछ समझ में आता है? और आपको मैंने कितनी बार कहा है ऋषभ को अपने रूम में मत सोने दिया करिए। ऋषभ अब बड़ा हो रहा है, जिद करता है अन्नू, कहता है बड़ी माँ आपके बिना नींद नहीं आती, बचपन से सो रहा है ना मेरे साथ। भगवान के लिए ऋषभ से दूर रहिए, लीच की तरह इस घर से चिपक सी गई है, आप कहीं चले क्यों नहीं जाती? बड़ी माँ, बड़ी माँ कहाँ हो? बड़ी माँ, बड़ी माँ,
बड़ी माँ आज मुझे मैथ्स में 100 out of 100 आए। अच्छा बहुत जोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से खाना दे दो ना। आप रो रहे हो? बड़े पापा की याद आ रही है? तू जा, जाके अपनी माँ से खाना मांग, वही देगी। माँ ने कुछ कहा? नहीं ऋषभ, तुझसे कहा ना, जा अपनी माँ के पास, वही खाना देगी, चल जा। वाह, कैरो की बातें सुनकर अपनी माँ पे चिल्ला रहा है। भूल मत 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा है। हाँ लेकिन पाला पोसा बड़ी माँ ने है, पापा ने मुझे सब बताया। कैसे आप मुझे बड़ी माँ के भरोसे छोड़कर नाना नानी के पास चले जाते थे? बहुत दिमाग खराब हो गया ना तेरा, बदतमीजी अलग, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, एहसान फरामोश। वो भड़का रही है तुझे मेरे खिलाफ, समझा? नहीं बड़ी माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आप उनके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। बड़ा है बड़ी माँ वाला, बहुत जबान चलने लग गई ना तेरी, एक लग गया ना तो 2 मिनट में आकर निकाल आ जाएगी तेरी। ऋषभ हर बात पे जवाब देने लग गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह बदतमीज हो गया बिल्कुल। अरे और कुछ नहीं, वो सब उसे वो लक्ष्मी सिखा रही है। वैसे वो है कहाँ? पढ़ाई करने गया अपने रूम में। अनामिका जीजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं समझाती हूँ ना उसे प्यार से। भैया कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। तू परेशान मत हो अनु, हमने बात कर ली, हो जाएगा। ऋषभ को लक्ष्मी के चंगुल से बाहर निकालने का यही एक तरीका है। लेकिन क्या ऋषभ मानेगा? ना हाय ना हेलो, मामी से कैसे नाराज की? बात भी नहीं करेगा? कल एग्जाम है। हाँ तो ठीक है ना, दे लेना एग्जाम। अच्छा सुन, तेरे मामा ने तेरे एडमिशन के लिए देहरादून के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में बात की है। तुझे पता है वहां पर कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? अब से तू भी वहीं पढ़ेगा, है ना गुड न्यूज? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है आप सब मुझे देहरादून क्यों भेजना चाहते हो, मैं बड़ी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देख उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो तेरी वेल विशर हूं ना। कितनी बार गए आपको कि ऐसा मत किया करो। इतने छोटे से पाला है इसे और आप देखो कितना बदतमीज हो गया है, मैं तो सिर्फ इसके बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए बात कर रही थी। अनामिका ने सही कहा था, कितना बिगड़ गया तू। बड़ी माँ, बड़ी माँ तू बोर्डिंग स्कूल जाएगा समझा? ये बात अपने दिमाग में डाल ले। भैया छोड़िए, बच्चा है समझ जाएगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अनामिका जीजी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, पता नहीं आजकल किन किन की बातों में आकर ये इतना बदतमीज हो गया है। देख रहे हैं आप सब, शांत हो जा बेटा, गुस्सा मत हो। माँ मामा मामी सब बहुत बुरे, सब आपको लेकर ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। ऋषभ हो सकता है तेरे भले के लिए सोच रहे हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे यही पढ़ना है आपके पास। अच्छा ठीक है मत जाना, लेकिन गुस्सा तो मत कर। माँ के कहने पर आज फिर मामा ने मुझे डराया धमकाया बदतमीजी की, मैं पापा को सब बता दूंगा। नहीं बड़ी माँ आपके कहने पर मैं हमेशा चुप हो जाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं बड़ी माँ। बेटा
तेरे पापा को बुरा लगेगा, वो गुस्सा करेगा, माँ के साथ झगड़ा मोल लेगा। भगवान के लिए उसे कुछ मत बताना। क्या बात है, मून ठीक नहीं है? मैं तुम्हें लेकर ऋषभ के बारे में सोच रहा था। अरे उस लक्ष्मी ने ना उसका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। लेकिन लेकिन क्या, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अपनी बीवी पर? अरे ऋषभ मेरे बच्चे जैसा है। अरे मैं तो सारा दिन उस लक्ष्मी के रूम में पड़ा रहेगा तो ऐसी बातें तो करेगा ही ना, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो जैसे मैं कोई गंदी औरत हूँ। मोहिनी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ऐसा ही था, मुझे बहुत बुरा लगा है। सॉरी बाबा, माफ कर दो। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच, गॉड प्रॉमिस। अब गुस्सा छोड़ दो। हुँ? छोड़ो मुझे, मूड नहीं है। सर, लेकिन ना तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा इस तरीके की गंदी बातें नहीं करोगे और मुझ पे कोई इल्जाम भी नहीं लगाओगे। प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस। तुम मुस्कुरा दो। पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? ठीक है। एक काम कर, ये बैग बड़ी माँ के कमरे में रख दे। आज नहर वाली जमीन की डील हो गई है। पापा फिर? ये डेंजरस है। पता है यार, प्रॉपर्टी का काम है इसलिए रखनी पड़ती है, और आज पेमेंट होनी थी तो अपनी सेफ्टी के लिए रख ली। तेरे मामा लोगों की तरह पिस्टल लेकर घूमने वाले लोगों को डराने धमकाने का शौक नहीं है, समझा? क्या हुआ ऋषभ, मतलब मामा का नाम आते गुस्सा हो गया? मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगा। बोर्डिंग नहीं? ऋषभ क्या हुआ बेटा? मामा मामी आए थे, कह रहे थे बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा, देखते कौन रुकते जाने से।
मना किया तो डरा रहे थे, धमका रहे थे, बदतमीजी की। मम्मी चुपचाप खड़े रह के देख रही थी। अनामिका ने सही कहा था, कितना बिगड़ गया तू? बड़ी माँ, बड़ी माँ, तू बोर्डिंग स्कूल जाएगा समझा? ये बात अपने दिमाग में डाल ले। भैया छोड़िए, बच्चा है। बड़ी माँ ने आके बचाया। टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं अभी देखता हूँ कि कौन भेजता है तुझे बोर्डिंग। तुम अपने भाइयों को ऋषभ की और हमारी लाइफ से दूर रहने के लिए बोल दो। शादी तो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं हमारी, और अब उनकी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ को डराने धमकाने की? मामा है उसके, अधिकार है उनका भी। आप जिंदा है अभी, कह देना, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, अंजाम बहुत बुरा होगा उनका। अंजाम बुरा होगा? भूल गए गिड़गिड़ा के कैसे माफी मांगी थी? भैया ऐसे मुझे आज फिर मारा, रोज मारता है, पैसे के लिए, दहेज के लिए, और घर वालों ने क्या दिया इस बात के ताने मारता है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना भैया, मैं नहीं रहना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। अच्छा, मेरी बहन झूठ बोल रही है? अरे एक बार बात तो सुन लो। बहनोई जी आपके शांत हो जाए। मैं पुलिस को कॉल लगाता हूँ, जेल जाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप सब। नहीं भाभी, आप कुछ नहीं कहेंगे, आज फैसला हो ही जाने दीजिए, बहुत हो गया इन लोगों का। ये पति पत्नी के बीच की बात है, ठंडे दिमाग से बातचीत से सुलझानी चाहिए, पुलिस आएगी तो बात बढ़ जाएगी। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। सुधांशु तू कॉल लगा पुलिस को। अरे एक मिनट, जी जी आप बताइए आप क्या चाहती हैं? माफी लिख कर देना होगा, दोबारा कभी मारपीट नहीं करेगा और बदतमीजी भी नहीं करेगा। हाँ वरना। वरना क्या? हाँ क्या, इसके साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं। अरे रुको थोड़ा सा। बहनोई जी गुस्सा छोड़िए ना, मांग लीजिए ना माफी और बात को यही रफा दफा। माफी मांग लो विजय, भगवान के लिए अपने बारे में नहीं तो कम से कम ऋषभ के बारे में सोचो। तुम्हें मेरी कसम है विजय, माफी मांग लो। याद आया वो कोरी धमकिया? अब नहीं चलने वाली, ऋषभ बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा, मैं भी देखता हूँ उसे कौन भेजता है। ऋषभ बोर्डिंग स्कूल जाएगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ, माँ, अनामिका, अनामिका, माँ दरवाजा खोलो। अभी कुछ नहीं होगा, पूरी धमकी दे रही है सिर्फ, आते करेंगे। माँ, ठीक है हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये भाभी का भी घर है। बहनोई जी ये घर जीजी का भी तो है, जरा इनके बारे में भी सोचिए। भाभी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी भाभी, ये भाभी का भी घर है। शांत हो जाओ विजय, समझने की कोशिश करो। ऋषभ बहुत बिगड़ गया है, बात बात पर बदतमीजी करने लगा है, और इसकी आप जिम्मेदार है भाभी। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरे यहाँ से चले जाने से घर में सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं खुशी खुशी सिद्धार्थ नगर वाले घर में जाने के लिए तैयार। भाभी आप ये
सोच समझ के कह रही हूँ विजय। बड़ी माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे आपके साथ ही रहना है। भाभी प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने भैया से वादा किया था कि मैं आपको कभी अकेला नहीं। भाभी वहां कौन देखेगा, कैसे रहेंगे आप अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ विजय, तुम दोनों हो ना, और फिर पास ही तो जा रही हूँ। प्लीज बड़ी माँ मत जाओ। अच्छा मैं आए ना बोर्डिंग स्कूल चला जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। ऋषभ तू अच्छे से पढ़ाई करना, और जब तेरा मन करे मुझसे मिलने चले आना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। भाभी भाभी एक बार फिर सोच लीजिए। तुम चिंता मत करो विजय, इसी में हम सबकी भलाई। ख्याल रखना। जीजी, आज आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया, अब आप आराम से ऋषभ और बहनोई जी को अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। मम्मी और कितनी देर, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मम्मी को बोल सुबह का नाश्ता नहीं चाहिए, डिनर के लिए बैठे हैं हम। रेस्टोर नहीं है, टाइम लगता है। जी, ये क्या बनाया है? एकदम बेस्वाद मिर्ची वाला, मुझे नहीं खाना। हाँ हाँ स्वाद आएगा भी कैसे, लक्ष्मी ने तेरे भाव जो बहुत बढ़ा दिए, मत खा। और तुम्हें भी अपनी प्यारी भाभी की याद आ रही होगी है ना? कल रात से भूखा था, मजा आ गया। पराठा और ले ले। नहीं नहीं बस बस, पेट फट जाएगा। और आपको कैसे पता चला कि मुझे गोभी के पराठे खाने का मन था? माँ को सब पता होता है। अच्छा ये तो पता, तू अपनी माँ को बोल के आया ना कि तू यहाँ आ रहा है? गलत बात ऋषभ, चिंता करेगी। चिंता नहीं बवाल करेगी। ऐसे बात नहीं करते तमीज से। आप उन्हें कुछ नहीं बोलती, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। आज रात में यही रुक जाऊं आपके पास? आज नहीं फिर कभी, माँ से पूछ के। ठीक है खा आराम से। क्या बात है, क्या चाहिए? आपकी परमिशन। परमिशन? वो हम सब फ्रेंड्स ने ना आरव के यहाँ नाइट स्टे प्लान किया। आरव कौन? बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कितनी बार कहा है आपको। कहाँ रहता है ये? आरव के यहाँ नाइट स्टे, पहले तो कभी नहीं कहा। बेवकूफ समझता है, झूठ बोल रहा है ना? सच बोल रहा हूँ मैं। अब तेरी बड़ी माँ ने तेरे को झूठ बोलना भी सिखा दिया, सीधा ट्यूशन से घर आना, समझा? कल तुम्हारे भैया को गुजरे हुए 17 साल हो जाएंगे,
ऋषभ के पैदा होने से 6 महीने पहले गुजरे थे वो। भाभी, मैंने पंडित जी से बात कर पूजा की सारी तैयारी कर ली है। कल सुबह पंडित जी 8 बजे आ जाएंगे। भाभी, वापिस आ जाओ। आपके बिना घर पूरा सुना सुना लगा। मैं खुद अनामिका से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज भाभी। हाँ पापा, और मैं है ना माँ की सारी बात भी मानूंगा। तुम दोनों मुझे लेकर परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। और हाँ, मेरे लिए अनामिका और उसके भाइयों से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। समझदारी से काम लो विजय, अपने काम अपने परिवार पर ध्यान दो। जैसा आप कहो भाभी, ठीक है। पापा, आज मैं यहीं रुक जाऊं बड़ी माँ के पास, सुबह पूजा में उनकी हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। ये दोनों अभी तक नहीं लौटे, और अब तो ऋषभ और बहनोई जी 24 घंटे उस लक्ष्मी की गोद में पड़े रहते हैं, है ना जीजी? शनि महाराज जी जैसे कुंडली पे बैठी हुई है, इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ने वाले। एकदम सही कह रही हैं जीजी आप। सुनो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ सोचो। मैं अनामिका जीजी को ऐसी परेशान हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। इसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा जीजी। ये कह रहे हैं ना कि उसका कुछ परमानेंट इलाज कर देंगे, तो ये कर ही देंगे। जीजी, बहनोई जी और ऋषभ का तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, लेकिन हमें बहुत देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चलिए। ऋषभ कहाँ है? कल भैया की बरसी है तो भाभी की मदद के लिए उसे वहीं छोड़ कर आए। वैसे भी वो भाभी को बहुत मिस कर रहा था। हाँ, माँ को तो कभी मिस किया नहीं उसने। ये माँ के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो तुम क्यों लौट आए? वहीं रह जाते और जब भाभी के प्यार से तृप्ति मिल जाती तब लौट आते। लौटते भी क्यों? तुम बाप बेटे वहीं शिफ्ट हो जाओ ना, वैसे भी इस घर में तो मैं अकेली रहती हूँ। यार, फिर से शुरू मत हो जाओ तू, प्लीज। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ हाँ, बड़ा आया बड़ी माँ वाला। गलत क्या है इसमें? भाभी ने बचपन से उसे पाला पोसा है, बड़ा किया है। माँ की ममता का ख्याल अगर तुम्हें होता तो तुम उन दोनों को अलग ही नहीं करती, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सोच के कारण आज दोनों दर्द में। हाँ, बहुत दर्द में है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम बहुत पछताओगे। और हाँ, भाभी ने कल बुलाया हमें पूजा के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अनामिका जीजी, आपने बहुत सही किया जो आप पूजा पर नहीं गए, वैसे भी आपको वहां चाहता ही कौन। भैया, आप फोन पर जमीन को लेके क्या बात कर रहे थे? विजय ने नहर वाली जमीन बेच दी है। अच्छा पैसा मिला है, तुझे तो पता होगा। तुझे नहीं पता? क्या बात कर रहे हैं जीजी, आपको कैसे नहीं पता? पूरे मार्केट में खबर फैली हुई है। अच्छा सुन, हाईवे के पास कुछ जमीन बिक रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है पास ही। मैं और सुधांशु सोच रहे हैं कि विजय से कुछ पैसे लेकर इन्वेस्ट कर दे हमारे साथ में, बड़ा मुनाफा मिलेगा। भैया, कितने पैसे लगेंगे? 50 लाख। इतनी बड़ी रकम? भैया, आपको तो पता है ना कि सब कुछ उस लक्ष्मी के हाथों में है। इसमें तेरा हक भी तो बनता है।
लेकिन भैया जब तक वो लक्ष्मी जिंदा है ना, मुझे विजय के सामने पाई पाई के लिए गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। अरे अनामिका जी, गिड़गिड़ाना कैसा, यह आपके हक का पैसा है, आप बहनोई जी से बात कीजिए ना, आखिर यह आपके भविष्य का सवाल है। हाँ, तू बस विजय से बात करके पैसों का इंतजाम कर और वो लक्ष्मी की चिंता छोड़ दे, उसे हम संभाल लेंगे। समझ में आया? रात को समझाया था ना तुझे? सुना है नहर वाली जमीन का बहुत अच्छा सौदा हुआ है। अब झूठ मत बोलना, पूरे मार्केट को पता है, सिर्फ मुझे ही छोड़कर। मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा? हुआ है सौदा। तो लाओ मेरा हिस्सा। हिस्सा? हिमांशु भैया है ना, वो पास वाली जो हाईवे पे जगह है ना, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे पैसा चाहिए 50 लाख। सोच रही हूँ इन्वेस्ट कर देती हूँ, वो बोल रहे थे अच्छा रिटर्न आएगा। 50 लाख? तभी मैं सोचूं ये बिन मौसम बारिश क्यों हो रही है। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मेरा हिस्सा। कैसा हिस्सा? वो जमीन भैया ने भाभी के नाम पर खरीदी थी, वहां एक घर बनाना चाहते। भैया के जाने के बाद भाभी का उस जमीन से लगाव ही खत्म हो गया, अब उनके ही कहने पर वो जमीन मैंने बेची। अनामिका, पुश्तैनी जमीन नहीं थी वो, इसलिए उस सौदे के पैसे पर हमारा कोई हक नहीं बनता। बेवकूफ मत समझो मुझे, मैं हिमांशु भैया को वादा कर चुकी हूँ, मुझे पैसा चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसा? भाभी के कहने पर सारा पैसा राइस मिल में इन्वेस्ट कर दिया। बात समझने की कोशिश करो अनामिका। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो मतलब चाहिए। 4-5 लाख रुपए बोलती तो मैं कोशिश भी करता कि तो। खैरात नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम और लक्ष्मी मेरा हक नहीं छीन सकते, समझे? बाबा आ रही। ये लड़का भी ना थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकता। अन्नू तुम यहां अंदर आओ। क्या बात है अन्नू? मुझे मेरा हक चाहिए, विजय को समझाओ, आप ही की सुनता है ना। लेकिन बात क्या है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, अन्नू को उसका हक चाहिए। हक? विजय को क्या समझाना है? भैया आप आराम से बैठ के बात। बैठने नहीं आए। मुझे नहर वाली जमीन पे मेरा हिस्सा चाहिए, 50 लाख। लेकिन वो पैसे तो कहा था ना मैंने, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। वो पैसे विजय ने राइस मिल में लगा दिए हैं। दोनों ना बहुत चलाक है भैया, मैं यहाँ से अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाने वाली, समझी आप? अन्नू सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ये हिस्से की बात क्यों कर रही हो? मेरा है ना, फिर बताओ जीजी पैसा कहाँ छुपाया हुआ है? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। भैया आप अंदर जाके देखो, अंदर कुछ छुपाया होगा इसने। अन्नू अंदर कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। यकीन? सुधांशु तो यहाँ देख, सारा कुछ अच्छे से देखना, बहुत चलाक है ये। भैया आप मेरे साथ अंदर आओ, चलो। भैया आप यहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। कुछ नहीं है, मैं कह रही हूं ना, प्लीज रुक जाओ।
बता पैसे कहाँ हैं? बता। मेरी बात का विश्वास करो भैया, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं बताएगी तू? हैं? भैया मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपको कुछ मिला? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। भैया बोला था ना, बहुत चलाक औरत है, कुछ भी नहीं मिलेगा। भैया इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, चलो चलते हैं। बताती क्यों नहीं जीजी, कहाँ छुपाया हुआ पैसा? मेरी बात समझने की कोशिश करो अन्नू, यहाँ कुछ नहीं है। पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती, और वैसे भी सब कुछ तुम्हारा और ऋषभ का ही तो है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, दो दिन के अंदर अन्नू के हिस्से का सारा पैसा मुझे आना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो, सारा वक्त बर्बाद कर दिया। सब कुछ मेरा है ना, ठीक है तो लेके जा रही हूँ, वैसे भी सब कुछ मेरे पति का ही कमाया हुआ है। चलो भैया। शांत हो जा बेटा। पापा को बताया? नहीं। मुझे पापा को बताना होगा। नहीं ऋषभ। क्यों? आप हमेशा मुझे रख देते हो, इस बार नहीं। ऋषभ सुन तो सही, विजय गुस्सा करेगा। ऋषभ भाभी, आपने मुझे तुरंत कॉल क्यों नहीं किया? उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई आने की और ये सब कुछ करने की? विजय एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुन लो। भाभी आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप जानती है ना वो दोनों कितने खतरनाक, कितने गुस्सेले, 3 मर्डर केसेस हैं उन दोनों पर। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? पापा सही कह रहे बड़ी माँ, तुम दोनों बेवजह परेशान हो रहे हो। विजय अपने परिवार के बारे में सोचो, जो हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो उन्हें। नहीं भाभी, इस बार नहीं। अनामिका ने सारी हदें पार कर दी है, इस बार मैं उन दोनों को जेल भिजवा कर रहूंगा। पुलिस स्टेशन जा रहा हूं मैं। विजय अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह ठंडे दिमाग से बात करेंगे। नहीं, अभी इसी वक्त। विजय इतनी भी बात नहीं मानोगे मेरी, कहा ना कल सुबह मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आप चलेंगे हमारे साथ कल सुबह पुलिस स्टेशन? हाँ, लेकिन अभी तुम ऋषभ को लेके घर जाओ, अनु इंतजार कर रही होगी। और वादा करो मुझसे, तुम दोनों अन्नू को कुछ नहीं कहोगे, करो वादा। ये कैसी दाल बनाई है तुमने? जानवर भी मुंह मोड़ ले इसे देखकर। हाँ सब पता है मुझे, उस लक्ष्मी ने कान भरे हैं तुम्हारे। छोड़, ये बात तुमने खुद ने शुरू कर दी। हाँ आपने। तू बीच में मत बोल, तेरी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, आज तेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत प्यार से और आराम से समझाया था, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? कैसा हिस्सा? कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हारे वो दोनों भाई लुच्चे लफंगे गुंडे जेल जाएंगे सीधा। मेरे भाई लुच्चे लफंगे? रुको अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। कहाँ है विजय? हमें जेल भेजेगा तू? हमें जेल भेजेगा? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भाभी घर में घुसने की? अन्नू का हिस्सा लेने गए थे, तू रोकेगा हमें? अब रोक, 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 अब रोकना। नहीं नहीं मामा, नहीं 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 पापा को नहीं। लो ये भी आ गई, इसको किसने बुलाया? सारे फसाद की जड़ तो यही है, और आ गई अब तमाशा देखने।
चल तू जा, यहाँ से तेरा कोई काम नहीं। मामा मैंने बुलाया बड़ी माँ को, उन्हें अंदर आने दो। भैया आप मेरी बात तो सुनिए। अरे कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तुम दरवाजा बंद करो। भैया भैया जी जी। ए दरवाजा खोल, दरवाजा बंद मत कर, भाभी है मेरी। खोलिए दरवाजा, खोलिए। बड़ी माँ बहुत शराबत दिखा दी, खड़ा रहा पे। बड़ी माँ को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे बाप को भी सकते हैं। बाप पर निकल आए तेरे, बड़ा सगा हो रहा है तू। दोनों बाप बेटे ने नाक पर दम करके रखा हुआ है। भैया दोनों मुझे खाने के लिए ताने मारते रहते हैं। जी जी माँ दुश्मन हो गई है इसके लिए। बचपन से लगाए होते ना तो होता ये। पापा, पापा। छोड़ दे मेरे बच्चे को। सुधांशु, तुमने मेरे भाई को मारा। बोले इसने। चुप हो जा। आप विजय हैं? आपने फोन किया था मुझे? बाबा मत जाओ। रो मत यार, ख्याल रखना पर बड़ी माँ का भी। चल जा भाभी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कितनी बार समझाया, गुस्सा अच्छी बात नहीं होती। आज देख क्या हो गया। तू चुप हो जा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। तू अच्छा बेटा है ना मेरा।